जाने के लिए मैं भी जाता हूँ। विषय जो है सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय की अवधारणा और एक चीज और स्पष्ट कर देना जरूरी है कि सामाजिक न्याय की अपनी जो राजनीतिक व्याख्या है उस व्याख्या से संबंध हम सब कहीं नहीं जोड़ते हैं। मुझे कई बार लगता है कि हमारे जो राजनीतिक व्याख्याकार हैं कई शब्दों के साथ इतना अन्याय करते हैं कि उस शब्द बेचारे अपने अर्थों के साथ गायब हो जाते हैं। और राजनीति में जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है वो कहीं भी हमारे जिस संगोष्ठी के विषय के जो मूल में उससे कहीं भी उसका कोई संबंध नहीं है। राजनीति में सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष, साम्प्रदायिकता, बहुजन, सर्वजन और भी जितने सारे जुमले हैं सब उनसे कौन सा अर्थ देते हैं आप सब लोग जानते हैं, हमें सब व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मैं उपस्थित सभी विद्वत समुदाय से और हमारे जो महानायक हैं इस डायस पे बैठे हुए उन सबको मैं नमन करता हूँ। लेकिन एक और चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भ्रमणवाद का जो विरोध जैसा हमारे पूर्व प्रवक्ता जी ने कहा यह सही है, वो भी एक अपनी एक व्याख्या है। लेकिन कई बार हमें यह भी लगता है कि कई बार भ्रमणवाद के मूल्यों को भी सीखने की जरूरत है। ब्राह्मणवाद ऐसी क्या ताकत है कि जिस ब्राह्मणवाद से मौखलिक वसार से लेकर आदिवक्त से लेकर भगवानपुर से पूरी एक लंबी 3000-4000 वर्षों की परंपरा है वह व्यवस्था इतनी मजबूत है कि आज भी हम सब लोग उससे लड़ रहे हैं। कहने की उस व्यवस्था की कुछ खासियतें हैं, हम सब ने उस व्यवस्था को गालियाँ दी हैं, उस व्यवस्था के सकारात्मक पक्षों को नहीं देखा है। और हमें लगता है कि ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी खासियत है उसकी फ्लेक्सीबिलिटी की, वो इतना जल्दी बदल देता है अपने आप को कि हमारे रणनीतिकार जब अपनी रणनीति बनाए तब तक लोग बदल करके नए चोले में हमारे साथ आके हमारे बीच में खड़ा हो जाता है। और हम सब लोग अपने रणनीतियाँ बनाते बनाते हमारे अपने अंदर ही इतने सारे बिखराव हो जाते हैं कि हम कहीं के कोई वो फुटभेद नहीं कर पाते। एक असंध संकट के बारे में जैसा सर ने बताया अवस्था में देखिए हमें लगता है कि हम अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रति अपने समय के महानायकों के प्रति किसी भी रूप में संदेह सही नहीं है। अगर हमारे हम अपने महानायकों के प्रति संदेह करेंगे तो हमारी लड़ाई बहुत कमजोर हो जाएगी। ब्राह्मणवाद की खासियत यह रही है कि उसने अपने पूरे कचरे को भी महानायक बनाया है और हमने अपने महानायकों के प्रति बहुत सारे संदेह पैदा किए हैं। सर ने बताया था महाभारत की कथा, महाभारत में आप कर्ण और उसके जो साथी थे शल्य उनकी कहानी आप देख लीजिए। शल्य ने लगातार संदेह पैदा किया कर्ण के मन में कि आप जीत नहीं सकते, आप हार जाओगे, आपके सामने धनुर्धर है, आपके सामने इतना बड़ा शक्तिशाली है। और उधर अर्जुन के साथ ही थे कृष्ण, कृष्ण जो ऐसे थे कि साइलेंट पड़े हुए अर्जुन को भी उन्होंने मोटिवेट करके योद्धा बना दिया। तो आपके मोटिवेटर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं आपके आंदोलन को गति देने के लिए। और हमें लगता है कि जो जो हम आज बहुत हम खतरनाक स्थिति के दौर से नहीं गुजर रहे हैं, मोहनदास करमचंद साहब का जो समय था, मलखान सिंह साहब ने ऐसे परिवेश लेकर के हम लोग यहाँ तक इन्होंने ऐसा खुरदरी जमीन पर रास्ता तैयार किया जिसके आज हम अपना एक हाईवे बना रहे हैं। ये लोग पहली पीढ़ी के लोग हैं, इन्होंने कितनी विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, इनके बातों के इनके साहित्य को किस हद तक अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ रहा था इनके रचनाओं को। और आज उन्हीं की प्रगति है, उनकी सेकेंड जनरेशन के रूप में हम सब लोगों का साहित्य है। आज विश्वविद्यालयों में दलित साहित्य पर काम करने वालों की संख्या हो रही है। और आपने सही कहा, जो प्रकाशक कभी नाम नहीं लेते थे दलित साहित्य का, वे अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनी औद्योगिक मजबूती करने के लिए दलित साहित्य विश्राम निकाल रहे हैं। ये तभी संभव है जब एक बड़ा पाठक वर्ग आया है समाज में, हमारी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थितियाँ बदली हैं और इस बदलाव को ही हम अपनी ताकत बना करके और आने वाले समय में और अधिक मजबूती से उन स्थितियों से बदलेंगे जिन स्थितियों से 2-3 हजार वर्ष पहले हमारे समाज के लोग गुजर चुके हैं, जिन अपमानजनक स्थितियों से, उनमें बदलाव आएगा और ये जरूर आएगा। साहित्य की एक बड़ी भूमिका यह है कि उस दयनीय स्थितियों को मुख्य धारा के समाज में ला करके और उसके लिए एक इतिहास बनाने का काम किया है। दलित आत्मकथाएं आप पढ़िए, आत्मकथाएं हमारे दलित समाज के इतिहास के जीवन शिलालेख हैं। कहीं कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि एजुकेशन की क्या स्थिति थी, लेकिन आपको अपने अपने भीतर में जूठन में उस समय की एजुकेशन सिस्टम का रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि किस तरह से स्कूलों में हमारी व्यवस्था चल रही है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में यह जो आत्मकथाएं हैं या जो साहित्य है, अगली पीढ़ी को तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी जो आएगी वह इसे ऐतिहासिक शिलालेख के रूप में दर्ज करेगी, इनको पढ़ेगी, अपना इतिहास समझेगी, इस ऐतिहासिक संघर्षों को समझेगी और उस दर्द को भी अपने
अपना एक दवा के रूप में बनाएंगे और बेहतर भविष्य बनाएंगे। हमारा भविष्य बेहतर है, हम सब लोग गवाह हैं। रमणिका जी को मैं कहता हूँ कि इनका नाम युद्धरत रमणिका होना चाहिए। ये लगातार हमेशा इस उम्र में भी इतनी सक्रिय था कि जो ताकत इनको मिली हुई है दलित साहित्य आदिवासी साहित्य के लिए, इन्होंने इतनी सारी बेहतर चीजें दी है हमारे समाज को, हमारे बौद्ध पीपल्स को, इन सारी चीजों को भी ताकत बना करके और हम और बेहतर स्थितियों में निकलेंगे। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, कई बार सब तो हमारे बहुत अच्छी बातें करते हैं लेकिन हमारी जो गतिविधियां हैं वो बहुत अच्छाई को बयान नहीं कर पाती। दलित साहित्य कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यह एक अर्थात अनुसूचित जाति का साहित्य है और इसके पैरल आदिवासी साहित्य विकसित हुआ। हम परिभाषाओं में दलित साहित्य परिभाषाओं में खूब लिखते हैं अनुसूचित जाति जनजाति का साहित्य है, लेकिन हमारी साहित्यिक अभिव्यक्तियों में जगह नहीं बन पाती है। हमारे अपने साहित्यिक सामाजिक अंतर्विरोध हैं लेकिन उन अंतर्विरोधों को भी साहित्य में जगह है, लेकिन उसके अलावे एक नया विजन भी आना चाहिए हमारे साहित्य में। एक बात कहा कि मैं अपनी बात खत्म करूंगा, एक प्रमुख दलित राजनेता ने अपने पीड़ा बयान करते हुए कहा कि हमारा समाज जब कभी काम की जरूरत पड़ती है तो हम नेताओं के पास आता है, लेकिन उसे अगर भरोसा करना होता है तो वह दलित समाज के बुद्धिजीवियों पर भरोसा करता है, क्योंकि उसे पता है समाज को कि दलित समाज के बुद्धिजीवी कुर्बानी दे रहे हैं, अपने करियर की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने ऊंचे पदों की कुर्बानी दे रहे हैं। राजनेता तो बिक जाएंगे किसी पद और मंत्री पद के लालच में, दलित साहित्यकार और दलित बौद्धिक विमर्श से जुड़े हुए लोगों ने ऐसी कोई हासिल नहीं की है, ऐसी कोई प्रगति हासिल नहीं की है। वे लगातार अपने संघर्षों से ही बौद्धिक विमर्श को दिशा दे रहे हैं। इसी वजह से दलित बुद्धिजीवियों के प्रति, दलित समाज के विद्वानों के प्रति किसी किस्म का भी संदेह सही नहीं है। हमारा समाज उन पर भरोसा करता है, उनके लेखों को पढ़ता है, उनकी रचनाओं को पढ़ता है, उनमें अपना एक नया जीवन दर्शन पाता है। तो हमें लगता है कि हमारे सामने जो हम सब लोग इस बौद्धिक कर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, समाज की बड़ी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं, दूसरे लोग भी इसको मानते हैं और हम यह काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हम सब पर जो लोग भी भरोसा नहीं करते उनको भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करके हम जो मेनस्ट्रीम की सोसाइटी है वही हमें अलग करती है, क्योंकि ये समाज की एक नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। अगर हमारे ही समाज के लोग, हमारी ही सोसाइटी अगर हमें भी संदेह करेगी तो कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन कमजोर होगा।